नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3 साल, तीन साल की एन्युटी वैल्यू दो पॉइंट चार, तो सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड एंड एन्यूटी मेथड से गुडविल निकालो। ये लो, ये सवाल है, मैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और एन्यूटी मेथड से ख्याति निकालनी। फटाफट से निकालो।
बोलो बच्चों। चलो जी, पहले तो पहला वाला मेथड बताओ, पहले वाले मेथड का नाम क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड। बताओ सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बटा 100। बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। एनआरआर कितना है? हल करो इसे। फिर अगला चीज कौन सा निकालना पड़ता है? सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कितना है? 70,000 माइनस घटाओ। आया? ये लो। देन बच्चों गुडविल, गुडविल का फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटो वर्ष, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बताओ कितना आया? 25,000 इंटू 3। बोलो क्या आंसर आया? 75,000। दूसरा वाला मेथड का नाम क्या है? बोलो पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि में गुडविल का फार्मूला बोलो। सुपर प्रॉफिट बटा एनआरआर इनटू 100। बताओ सुपर प्रॉफिट कितना है? एनआरआर कितना है? हल करो इसे। 2,50,000। आया? तीसरा वाला बोलो एन्यूटी। बताओ गुडविल का फार्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटो एन्यूटी वैल्यू। बताओ सुपर प्रॉफिट कितना, एन्यूटी वैल्यू कितनी? हल करो। ये तीनों सही है। गुडविल नहीं निकाली, सारे सही कैसे हुए? गुडविल ही तो पूछ रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, देन एक मेथड और था, बताओ उस मेथड का नाम क्या था? छुपी हुई ख्याति। हटा दूं ये, बैठ जाता हूं, मेरी भी आ जाएगी। तेरी आ गई तो रील बन जाएगी, रील बन जाएगी रील। आजकल बस वही तो ट्रेंड चल रहा है चारों तरफ। हेलो गाइस, पूरा देश क्या बनाने में बिजी है? रील। सुबह शाम रात दिन कहीं थोड़ा सा भीड़ इकट्ठा हुआ, लोग बाग पहले मोबाइल खोलते हैं, क्या पता कुछ रिकॉर्ड करने को मिल जाए। पढ़ा दो बच्चों। चलो जी फटाफट से देख लो। लास्ट वाला बताओ क्या नाम है? हिडन गुडविल। इधर देखना, हिडन गुडविल तब निकाली जाती है बच्चों जब नया पार्टनर आता है। कौन आता है? और उसकी कैपिटल की डिटेल दे रखी होती है। किसकी डिटेल? देखो हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, फार्मूला देखो। ये मैंने लिखा हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल क्या लिखा
न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल उतारो। देखो ये फार्मूला, बच्चों कॉपी हो गया हो तो वो बताओ, हो गया। मैं जरा एक एग्जांपल की हेल्प से इसको बताता हूँ। बच्चों ये दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल है 70,000 और 50,000। बोलो कितनी है? 70,000 और 50,000, ठीक है। ये पार्टनर है और ये इनकी कैपिटल है, ओके। देन एक नया पार्टनर आया, नए पार्टनर का नाम है सी, तो क्या नाम है? और वह आया, वह 60,000 की कैपिटल एक बटा पांच भाग के लिए लाया। बोलो कितने भाग के लिए लाया? एक बटा पांच भाग के लिए लाया। हिडन गुडविल निकालो। बोलो कौन सी गुडविल निकालो? ये सवाल है। बताओ पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर का नाम बताओ, पार्टनर के नाम क्या क्या है? ए और बी। कैपिटल कितनी कितनी है? नया पार्टनर कौन आया, कितनी कैपिटल लाया, कितने भाग के लिए आया, क्या निकालनी है बताओ बच्चों। न्यू पार्टनर कैपिटल कितनी लिखूं? नए पार्टनर का रेशो बताओ, एक बटा पाँच। तो बेटा एक बटा पांच यहां लिखेंगे तो एक यहां लिख के पांच से गुणा कर दो, यही तो होगा। एक बटा पांच मतलब एक और ऊपर चला जाएगा पांच, ओके। माइनस ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बताओ, 70 प्लस 50, बोलो कितना हो गया? 120,000। और न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी? बच्चों इसको हल करो, 3,00,000 माइनस 180, बताओ कितना आया? 120,000। और कोई आपसे पूछे सी का गुडविल में हिस्सा, सी का गुडविल में हिस्सा बताओ, तो ये तो हिडन गुडविल आ गया, ये तो क्या गया हिडन। और सी का गुडविल में हिस्सा कितना होगा? 120 का 1/5। हल करो, 5 × 2 = 10, 5 × 20। यानी सी को गुडविल के लिए कितने रुपए लाके जाने चाहिए? 24,000 पहले क्या आना चाहिए? सर फिर ये आपने ये खतरनाक सा वर्ड क्यों लिख दिया एडजस्टेड? ये लिखने की जरूरत क्या थी? बच्चों कहानी ऐसी है कि मान लो सवाल में ये लिख रखा हो ए और बी की कैपिटल है 70 और 50, और साथ में लिख रखा हो 20,000 के जनरल रिजर्व भी है, ठीक है। तो बच्चों ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स के होते हैं और ये ओल्ड रेशो में पड़ जाते हैं। तो मान लो 20,000 के रिजर्व है, तो बताओ ये रिजर्व भी अल्टीमेटली किसमें बटेंगे? तीनों में या सिर्फ दोनों में? क्योंकि उन्होंने तो ये रिजर्व कमाए थे। तो फिर आप यहाँ पर 70 प्लस 50 प्लस 20, यानी इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी? 140 प्लस 60। इसी कारण से एडजस्टेड वर्ड लिखा कि यदि रिजर्व हो तो वो भी ओल्ड में बांट दिया जाता है। सर आपने बांटा तो है ही नहीं, तो 70 और 50 में जोड़ दिया ना, बात तो वही है।
भाई यदि रिजर्व हो, क्या हो, और मान लो इन दोनों का रेशो 1:1 है, 20,000 का रिजर्व किस किस में बटेगा, कितना कितना, अब बताओ ए की कैपिटल कितनी हो गई और बी की कितनी हो गई, तो आपको 70 और 50 की जगह कितना लिखना है, इसे ही ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल बोल, ठीक है, कॉपी करो। हाँ बोलो, हाँ मैं लिखवा देता हूँ, देखो हिडन गुडविल में छुपी हुई ख्याति तब निकाली जाती है, छुपी हुई ख्याति तब निकाली जाती है जब नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करे और वह कितनी पूंजी लेकर आ रहा है की जानकारी सवाल में दे रखी हो, देखो हिडन गुडविल का फार्मूला, हिडन गुडविल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय न्यू पार्टनर प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। पहले ये फार्मूला लिख लो फिर क्वेश्चन लिखेंगे, पहले ये फार्मूला फिर क्वेश्चन। लिख लिया, सॉल्यूशन लिख लिया, बताओ हिडन गुडविल का आंसर कितना आया और सी का यदि गुडविल में हिस्सा पूछे तो कितना आया, हटा दू
अभी इसका करवाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। क्या हुआ, अरे नहीं ऐसा कुछ, अरे अरे तुमने तो मेरे को हवा में ऊपर कर दिया, देखो मैं उछल रहा हूं, बढ़ा दूं। अब मैं वो सवाल ले रहा हूं जो 2018 में आया हुआ है, एक सेकेंड, और सवाल नंबर 85 हटा रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों हटा दूं ना। हाँ आरपीएससी पेपर दो सवाल करवाऊंगा, एक तो ये हिडन वाला और एक पृथक्करण का। सबसे ज्यादा एग्जाम में संस्कृत के होते हैं क्या, हा? संस्कृत के इतना स्कोप है संस्कृत का, अहम युवाम तुम तुमाम। अच्छा मी ऐसा कुछ ही नहीं है बच्चों, इसमें भी कंपटीशन तो होगा। नेट नहीं चल रहा, तो 85 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से पहले आप लोग करेंगे देन फिर मैं करवाऊंगा, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, नो प्रॉब्लम। 85
ठीक भी नहीं आया, बोलो कौन सा, चेक करें बताओ, सबसे पहले हिडन गुडविल है कि नहीं है, बताओ कौन नया आया, कितनी है कैपिटल उसकी और उसका रेशियो कितना है, 1:4 आया, माइनस ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बताओ, 48,000 प्लस 31,000 और नए की भी बताओ, बताओ कितना आया, कितना बेटा, 1,00,000, क्या आंसर आ गया, क्या नहीं आया, अरे तो कटाके बताओ ना तुम लोग, तो मेरे को सही बताओ, हिडन गुडविल 11,000, क्या 11,000 आंसर है क्या, कहीं 2 को टिक मत कर देना जोश में आके, यही तो है खेला, जेड के हिस्से की ख्याति, जेड हिस्से की ख्याति, बताओ कितनी हो जाएगी, 11,000 × 1/4, सॉल्व करो, यस, ये 2018 मॉनिटर उस पर डाल देना, तो नोट करना, वो नोट भी कर लेना, हटा दो क्या बच्चों, कन्फर्म, ये लो, कॉमर्स चलो जी बच्चों सॉल्व करो फटाफट से,
थ्री कौन सी विधि है? कैपिटलाइजेशन मेथड में फार्मूला क्या है? पहले सुपर निकालो, कहाँ दे रखा है सुपर? एवरेज दे रखा है। सेकंड फार्मूला लगा लो, सेकंड फार्मूला क्या है बोलो? एवरेज प्रॉफिट बटा एनआरआर इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आप चाहो तो सुपर निकाल के भी कर सकते हो ये सवाल, लेकिन पहले सुपर निकालना पड़ेगा। तो बढ़िया, एक ही बार में निकल जाए वो बढ़िया। क्या एवरेज है? कितना है? एनआरआर है 14%। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। बोलो कैसे? एसेट में से दायित्व घटाओगे बाहरी, तो कैपिटल ही आई। बताओ 10 में से 5 घटाए कितने आए? इसको अब हल करो, 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख। कॉपी हो गया, हटा लो, डालो। ये लो 94। वैसे ही करना और क्या, वो मुझे बताओ इक्वेशन दे भी रखी होती
तो भी क्या होता, अल्टीमेटली जुड़ता ही ना, अल्टीमेटली जुड़ते ही ना, देने की जरूरत क्या है कि रेशियो क्या है। आया बीस हजार आया, क्या पूछ क्या रहा है फर्म की ख्याति का, पार्टनर का तो नहीं निकाला। चलो चेक करते हैं, पहले तो ये बताओ नया पार्टनर कितने के लिए लाया, टीचर डिवाइडेड बाई चार बटा एक 80 माइनस ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल बताओ 10, 20 और 10, ये भी तो जुड़ी जाएगा भाई, इनका जो भी रेशो एक एक हो, तीन दो हो, पाँच छः हो, आठ दस हो, ये भी तो जुड़ेगा। बताओ इन इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी, 20, 10 और 10, बोलो कितनी, 40 प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 20, हल करो इसे। हाँ एक इंटू चार, सॉरी एक इंटू चार, हाँ ठीक है ठीक, हाँ ठीक है ठीक, 30,000 आपके 80 कहाँ से आ गए, क्यों, और आपके 40 आ रहा था, कैसे बनते हैं, मैंने खुद ने दे रखा है एग्जाम में, और मेरा जो पेपर था उतना हार्ड तो कभी आया ही नहीं, जेवीनल का क्रैक किया मैंने, अकाउंट्स ऑफिसर का, बच्चों को बताने के लिए, वैसे नहीं, यहाँ इंसान ही पास होते हैं, गुरुजी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जरा एक बार आप भी ओके बताओ, तो सिर्फ दो सीट दी, एक मेरी और एक और दूसरे की, मैं करूंगा क्या, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं जाऊंगा क्या उसमें, बाकी बताने के लिए। और वास्तव में मेरे हिंदी इंग्लिश जीके पू मैंने किताब तक हाथ नहीं उठाई, लेकिन क्या है कि बस थोड़ा नॉलेज लगा के कि हाँ ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, मैंने कहा यार पुष्कर में ही है, एक दो बार तो गए थे भाई, नहीं वो नहीं किया, CPA वहां पर
इंदौर, आप कैसे जानते हो क्या किया था? यस, मैंने इंदौर से ही सीए की कोचिंग की, मैंने नाटा से सीए की किए, अनिल नाटा जी मेरे को जानते हैं, जानते हैं, तरुण महाजन जी मेरे को जानते हैं, दो हजार तीन में तो आपका बर्थ भी नहीं, हो गया ये। एक और दूं यार, 14 हटा दूं, फोटो ले ली, तो वारे नारी हो गए, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप धना धन पूछी, हाँ यस, ये लो भी नहीं लग रहा, दिमाग नहीं चल रहा, हाँ।